हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अभिनव जैन। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रू इंजीनियर्स पर, जिसमें मैं आपके लिए रोज लेके आता हूं इंजीनियरिंग और डिप्लोमा के विभिन्न कोर्सेज के वीडियोस। इसी कड़ी में आज आपके लेके आया हूं मैं बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो, जो है पाइप फिटिंग्स। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पाइप फिटिंग्स। तो कोई भी इंडस्ट्री हो, प्रोसेस प्लांट हो, वहाँ पर बहुत सारे पाइप्स वगैरह यूज़ होते हैं, जिसमें अलग अलग तरह की पाइप फिटिंग्स यूज़ होती हैं। कहीं पर पाइप को टर्न देना होता है, कहीं से फ्लो को मोड़ना होता है, तो इन सब काम में पाइप फिटिंग्स यूज होती हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि पाइप फिटिंग की जरूरत क्यों होती है। तो सबसे पहले, प्लंबिंग सिस्टम में बहुत सारे पाइप फिटिंग्स यूज होते हैं, उनका अपना अपना काम, अपना अपना फंक्शन होता है। पाइप फिटिंग के मुख्य तीन काम होते हैं। सबसे पहले फ्लो के डायरेक्शन को चेंज करना, दूसरा मल्टीपल पाइप्स को जोड़ना, चाहे वो सेम साइज के हों या डिफरेंट डिफरेंट साइज के हों, उसी हिसाब से उनको जोड़ा जा सकता है। और तीसरा काम जो होता है वो फ्लो को रेगुलेट करना और उसको फ्लो को मेजर करना। ये जो पाइप फिटिंग्स होती हैं, ये अलग अलग मटेरियल जैसे कॉपर की, आयरन की, पीवीसी की, ब्रास की, इन सब की बनी हो सकती हैं। अगर कॉमन टाइप्स की पाइप फिटिंग्स देखें तो हमारे पास बहुत सारी पाइप फिटिंग्स हैं, जैसे उनमें से मुख्य हैं एल्बो है, टी है, रिड्यूसर, यूनियन, कपलिंग, क्रॉस, कैप, निपल, प्लग, बुश, एक्सपेंशन जॉइंट, अडैप्टर्स, फ्लेंजेस एंड वॉल्व्स। तो इस वीडियो में मैं मुख्य कुछ जो ज़्यादा यूज होने वाले फिटिंग्स हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा, और वॉल्व्स को लेकर के एक वीडियो अलग से हम बनाएंगे, जिसमें जो मेन वॉल्व्स होते हैं उनका क्या यूज होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, वो हम अलग से उसमें देखेंगे। तो इस वीडियो में हम कुछ मुख्य पाइप फिटिंग्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एल्बो। एल्बो का काम होता है फ्लो के डायरेक्शन को चेंज करना। दो पाइप के बीच में फ्लो के डायरेक्शन चेंज करने के लिए एल्बो यूज होती है। एल्बो हमें अलग अलग एंगल्स, 22.5 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल्स में हमें स्टैंडर्ड साइज है ये एल्बो का, ये मिलती है। अगर पाइप सेम डायमीटर के हो तो हम नॉर्मल एल्बो को यूज कर सकते हैं, और अगर डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर के पाइप्स को जो करना हो तो हम रिड्यूसर एल्बो को हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है रिड्यूसर। रिड्यूसर एक पाइप फिटिंग ऐसी है जो दो अलग अलग डायमीटर के पाइप्स को जोड़ने के काम आती है। रिड्यूसर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है कंसेंट्रिक रिड्यूसर और एक होता है इसेंट्रिक रिड्यूसर। तो ये ध्यान रखिए, रिड्यूसर्स वहां यूज होते हैं जहां दो अलग अलग डायमीटर के पाइप्स को हम जोड़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा टी। टी बिल्कुल ऐसे होता है जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में होता है टी। इसमें एक इनलेट, दो आउटलेट होती है। जो आउटलेट होती है वो इनलेट से 90 डिग्री के कोण पे होती है। इसको हम दो इनलेट और एक आउटलेट के रूप में भी यूज कर सकते हैं, कि जैसे दो पाइप में हमने टी के जोड़ दिए जहां से इनलेट आ रहा है और उसमें तीसरा पाइप जो आउटलेट जा रहा है वहां पर उनकी मिक्सिंग होनी है, तो वहां पर दो इनलेट और एक आउटलेट भी हम इसमें कर सकते हैं जहां पर मिक्सिंग हमें करानी हो। अगर टी की तीनों साइड सेम साइज की हैं, सिमिलर साइज की हैं, तो उसे इक्वल टी कहते हैं, और अगर वो अलग साइज की है तो उसे अनइक्वल टी कहते हैं। डायग्राम्स आपको सभी फिटिंग्स के बराबर में आपको दिखाए गए हैं, तो आप इनको पहचान सकते हैं। इसके बाद आता है क्रॉस। क्रॉस वो फिटिंग्स होती हैं, इसमें चार डायरेक्शन में ओपनिंग्स होती हैं। ये तब यूज होती है जहां जब एक पॉइंट पे चार पाइप्स को मिलना होता है। इसमें क्या होता है कि जो मीटिंग पॉइंट होता है यहां पर ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट होता है, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर चेंज होता है, क्योंकि
ये जो पॉइंट होता है ये चार पाइप के सेंटर, बिल्कुल जो फोर कनेक्शन पॉइंट्स है उसके सेंटर पे होता है। ये जो क्रॉस फिटिंग्स होती हैं ये जनरली स्प्रिंकलर सिस्टम्स वगैरह में यूज होती हैं, जहां पर अलग अलग पाइप आके जुड़ते हैं। इसके बाद आती है कपलिंग। कपलिंग इज यूज टू कनेक्ट पाइप्स ऑफ सेम डायमीटर। सेम डायमीटर को पाइप्स को जोड़ने में हम कपलिंग का यूज करते हैं। अगर कहीं पाइप ब्रोक हो या लीक ब्रोकन हो या लीकेज हो रही हो तब भी हम कपलिंग यूज करते हैं। कपलिंग दो तरह की होती है जनरली, कंप्रेशन कपलिंग और स्लिप कपलिंग। कंप्रेशन कपलिंग एक रेगुलर टाइप की कपलिंग है जिसमें दो पाइप्स को जोड़ते हैं। ये लीकेज से बचाती है। इसमें दोनों पाइप को हम गैस्केट या रबड़ सील्स लगा के जोड़ते हैं जिससे हमारी लीकेज होने से बचाती है। जो स्लिप कपलिंग होती है वो इंस्टॉल करनी आसान होती है। इसमें दो पाइप्स होते हैं, एक के अंदर एक। जो छोटे डायमीटर का पाइप होता है या इनर पाइप जो होता है वो आउटर पाइप के अंदर स्लिप कर जाता है कुछ लेंथ तक। तो इससे हम क्या करते हैं, लॉन्ग लेंथ के जो डैमेज पाइप है उसको हम स्लिप कपलिंग से फिक्स कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। इसके बाद आता है यूनियन। यूनियन का जो फंक्शन है, जो काम है, वो कपलिंग के जैसा ही है। एक डिफरेंस क्या है दोनों में कि हम कपलिंग को रिमूव नहीं कर सकते एक बार फिक्स करने के बाद, लेकिन यूनियन को हम एक बार फिक्स करने के बाद रिमूव भी कर सकते हैं। इसमें एक नट होता है, एक मेल और फीमेल एंड थ्रेड्स होते हैं। ये पाइप के जो काम होते हैं, पर्पस होता है, उसको बहुत पूरी अच्छी तरह से ये फुलफिल करता है। इसके बाद आता है प्लग। प्लग प्लंबिंग सिस्टम का वो कंपोनेंट है जो पाइप की ओपनिंग को क्लोज या बंद करने के काम आता है। जब कभी इंस्पेक्शन होता है या रिपेयर का काम चल रहा होता है तो प्लग के माध्यम से हम पाइप की ओपनिंग को बंद करते हैं। प्लग में जनरली मेल थ्रेड्स होते हैं। तो दोस्तों, आज हमने विभिन्न प्रकार की पाइप फिटिंग्स को डिस्कस करा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट जरूर कीजिए। आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, उस चीज को हम आपको मैं रेक्टिफाई जरूर करूंगा जैसी सुविधा के अनुसार। तो वीडियो को कमेंट जरूर कीजिए। एक चैनल पे आपको अच्छी बात ही मिलेगी, जो बच्चे डिप्लोमा इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स हैं उनको बने बनाए नोट्स तैयार मिल रहे हैं, तो अपने नोट्स भी यहाँ से तैयार कर सकते हैं, नोट्स भी उनको मिल जाएंगे। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।